करती हूँ, सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वश स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा धीरा और इरा के एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है मंगलवार, 29 तारीख है, सावन का कल आखिरी सोमवार था और आज हम कर रहे हैं उद्यापन। वैसे तो 30 तारीख को करना बनता है लेकिन कल लग रहे हैं भद्रा सुबह सुबह के टाइम में, तो सुबह इतने जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम आज ही के दिन उद्यापन करने जा रहे हैं, मैं और गरिमा दोनों, और आज हम दोनों ने ही पहन लिया साड़ी। तो आज हम जाने हैं सोनू के साथ, क्योंकि भैया ब्लॉग शूट करेंगे, सोनू हमारा ब्लॉग बनाएगा, क्योंकि जब 2 महीने के पूरा आपको दिखाया है तो ये चीज़ भी दिखाना तो जायज़ है ना। तो मैं ब्लॉग में लग जाती तो फिर अच्छे से पंडित जी के साथ पूजा ना हो पाती। तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ ये वाला ब्लॉग, आई होप आप लोग इंजॉय करोगे। तो राम राम जी आप सभी को। हम दोनों दाई देवरानी जेठानी पहुंच गए हैं मंदिर। एक्चुअली जो ये वाला व्लॉग है ये दो डेट्स का मिक्सचर है, एक तो राखी वाले दिन का व्लॉग है और एक 29 तारीख का है जब मैंने और गरिमा ने अपने सावन के व्रत का उद्यापन किया था। ये एक्चुअली मैं अलग अलग डालना चाहती थी लेकिन मेरी तबीयत बीच में हो गई थी बहुत ज़्यादा, राखी के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरे को 2 दिन तक फीवर चढ़ा रहा तो एडिटिंग करने में मैं हो गई थी लेट। तो मैंने सोचा कि दोनों व्लॉग को एडिट करके एक ही व्लॉग मैं इनका बना देती हूँ ताकि मेरा भी ज़्यादा काम ना बढ़े और आप लोग भी इंजॉय कर सको। तो हमने अपनी तरफ से तो देखिए इस पूजा को करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो उसके लिए इग्नोर कर देना कोई बात नहीं, गलतियाँ सभी से हो जाती हैं। पूजा पाठ तो एक ऐसा नियम है कि जिसमें अगर कोई गलती भी हो रही है लेकिन हमारा मन अच्छा है और सच्चा है और हम भगवान को कोई चीज़ सच्चे मन से अर्पित कर रहे हैं तो भगवान जी तो उसे भी स्वीकार एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने और गरिमा ने भी अपनी पूरी श्रद्धा से ये 2 महीने के व्रत रखे हैं और आज अपनी पूरी श्रद्धा से ही हम इसका उद्यापन कर रहे हैं। तो बने रहिए आप सभी लोग मेरे साथ इस व्लॉग में, देखिए ये वाला व्लॉग, एंजॉय कीजिए और अच्छा अच्छा आशीर्वाद दीजिए मुझे और गरिमा को, क्योंकि हमारा बहुत ही अच्छी विधि विधान से हमने ये अपना व्रत का उद्यापन कर दिया था और वापस से अब हम आ गए हैं अपने उसी रूटीन में। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मतलब मिसिंग लग रहा है, इतने दिनों से मंदिर आ रहे थे अब नहीं आएंगे, अब वो तो खैर है श्रद्धा है आने को तो हम अभी भी रोज़ रोज़ आ सकते हैं, लेकिन वो रहता है ना कि आप अगर किसी पर्टिकुलर दिनों में वो काम कर रहे हैं तो करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सावन था, अधिक मास भी था, उसकी वजह से मंदिर आने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा अच्छा सा फील होता था। सुबह बच्चे स्कूल जाने के बाद हम दोनों अपना नहा धो के जल्दी मंदिर आ जाते थे, अपना पूजा करते थे। तो बस यही उम्मीद है कि अगले साल भी अच्छा अच्छा सा सावन जाए और हम अपने भोले भंडारी को जल चढ़ाने आएँ। तो अभी इंजॉय कीजिए आप मेरा ये वाला व्लॉग अपनी फैमिली के साथ। मैं
कहाँ जाना हो रहा है? तो जी खुशी आ गई है बहुत लंबे गैप के बाद मेरे नेल्स करने हैं। खुशी इतने दिनों बाद क्यों आई हो बताओ? क्योंकि मैंने गैप लिया था, मेरे नाखून थोड़े से थिन हो गए थे, नेल्स ना वीक हो गए थे, तो मैंने कहा अब टाइम है, राखी है, तीज भी रंग से नहीं हुई थी इस बार हमारी, हाँ तो मैंने कहा अब राखी पे करा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं। बीगू हेलो, बीगू हाँ नीचे छोड़ दे, नीचे छोड़ दे, लेटर प्ले, लेटर प्ले। बीगू कम हियर, मम्मा के पास आओ, मम्मा के पास, गिव इट टू मी। पीकू इधर क्या हो रहा है? मेरी रिंग्स देखो। अरे भाई रिंगी रिंगी पहनी है आज मेरे मिट्टे ने, चार ने तो चार। चलो चलो जाओ पीकू को पारी करके आओ, चाचू किए गुस्सा करेंगे चाचू, जाओ पीकू को पारी करके आओ। ओए नहीं नहीं हमने कर लिया है और बच्चों की डिमांड पर अब हम जाएंगे थोड़ी देर में मेहंदी लगवाने, थोड़ी देर में नहीं अभी आधे घंटे में। तो परी मिठू और सारू तीनों को लगवानी है मेहंदी, तो बच्चे लगवाएंगे तो हम भी लगवाएंगे भैया। सब पहले बच्चों को एक लीड ले ले, लीड ले ले, एक मैडम जी, मैडम जी छीन के मत लियो, प्यार से लियो, ऊपर रख दो नहीं तो तोड़ देगी। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में मेहंदी लगवाने के लिए और फिर दिखाएंगे। सारू ने तो मेरे को डिजाइन भी भेज दिया है कि मम्मा ये वाला डिजाइन लगवाना। मम्मा मैं भी जो दी थी जो। हाँ तो लेट सी कि कैसी मेहंदी लगवाते हैं, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आजा पीकू, आजा यहाँ पे, आजा दोनों बैठे जाए पीकू, परी बड़ा बन जा, जा पकड़ लियो चप्पल का। हाँ ये गुड्डा के साथ गई थी क्या इंटीरियर, गुड्डा के मांचो के साथ मांचो तीनों को चले गए। परी डोंट डू इट, नो इट्स इज नॉट गुड, बस नहीं बहुत मना कर दिया। उसके पैर आ गए तो दीदी मैं बाहर लेने गई ना परी को, तो ये मेरी गोदी में थी, परी को देखते ही कह रही मम्मा ए मम्मा ए, मेरे मेरे हाथ में नहीं लगी छाती। चले पैर उठा के चलो, पैर उठा के चलो बेटा, पैर उठा के चलते हैं बेटा, स्लीपर की आवाज नहीं आनी चाहिए, आराम से लगना जाए बहन को। ऑनलाइन क्लास हुई। अरे मेरा एग्जाम है 11 तारीख को कंप्यूटर का। हाँ तो फिर नहीं, हाँ नहीं होगा फिर। कैसी लड़ाई हो गई? लड़ाई मेरे को पकड़ना है, अभी थोड़ी देर तू पकड़ ले फिर उसको दे दियो, ठीक है? कोई पकड़ ना, मिठू लुक एट मम्मा, हैप्पी मिठू हंस रही है अंदर अंदर ही। बहुत बढ़िया,
वो भी लग गई है, बहुत अच्छी सी मेहंदी। मुन्नू आप अपनी मेहंदी दिखाओ बेटा। अरे मेहंदी लग जाएगी सारू, और जब परी को दिखो हम अर्ली मॉर्निंग ही रेडी हो गए हैं। मैं सारू मिठू, मिठू गई है नीचे और मैंने पहनी है आज ये साड़ी जो गरिमा ने डिजाइन की है मेरे लिए। बहुत ही सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड सी है और इसका सूट है, तो और मिठू का भी कॉर्ड सेट ही है समायरा जैसा। तो अभी मम्मा ने मेरे को एक न्यू गिफ्ट किया है बैग राशि के लिए, थैंक यू। और तूने परी को किया है और क्या। और तो अभी हम जा रहे हैं नीचे रेडी होके, बिल्कुल बस मेरे को नीचे जाके चूड़ियां पहननी है, अपनी रिंग्स पहननी है। और मैंने मेहंदी लगवाई थी और सुबह सारा काम किया है तो मेहंदी थोड़ी लाइट भी हो गई है क्योंकि आज कोई हेल्प नहीं आई है त्यौहार की वजह से। तो अभी चलते हैं हम नीचे, पूछते हैं अपने सोना और उसके बाद हम चलते हैं मामा के घर और स्टार्ट करते हैं अपना राखी का ये वाला व्लॉग। सारू उसको भी बांधने दिया कर, तू हमेशा तू ही बांधती है। गुड्डू की मिठू बांध देंगे, जाओ पिन लेके आओ, अपनी पिन लेके आओ, जाओ जा रही है दिल्ली है ना मम्मा। नानी आ चुकी है, हेलो नानी। हेलो हेलो। तो अभी मम्मा हम कब पहुँचेंगे? हमारा फेवरेट डायलॉग मेरा नहीं मिठू का, मम्मा अब गाड़ी में बैठते ही मम्मा कब पहुँचेंगे। तो जी मैंने रील डाली थी रक्षाबंधन पे और आप बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी ये आपके रियल भाई हैं, ये आपके रियल भाई हैं। तो आज मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मैं आई हूँ अपने मामा के घर अपने मामा के बच्चों को राखी बांधने के लिए, और जो मेरा भाई है वो रहता है न्यूजीलैंड में अपनी फैमिली के साथ और बहुत ही जल्द मैं जाऊँगी उससे मिलने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं राखी पे अपने मामा के घर आई थी और ये मेरे मामा के ही बच्चे हैं जो आप लोगों को रील या व्लॉग में देखने को मिल रहे हैं। तेरे बांधो में ललित के नाम ही, क्योंकि तू हर साल आवे तो है ना, या मैंने मैंने तेरे नहीं बनवाई ना, पर अब अगले साल के मैं तेरे बनवा ललित ना कोई बात नहीं, ललित के आगे बांध लेते हैं ले भी जो आ जा ना बाकी राखी मैं तो दे दूंगी, तू पहने रखी कोई और नहीं होगी तेरे मुंह में रहती है। दीपक मामा की रखी हुई है, अभी आने ही वाले थोड़ी देर में आ जाएगा, दे देना उसको थोड़ा सा, दे दे सारू पीस दे दे बेटा उसको। मिठू तू भी मिठाई खिला दे, आजा मामा को पड़ गई मिठाई भी खिला दे। वाह मिट्टे पूरी विधि विधान पूरी विधि विधान कर रही है।
भाई वाह ये यू मेरी बेटी है, जल्दी जल्दी करा सारे काम इनने। ये नानी को दे दे बेटा, नानी नानी को बैठने देना सारू। मैं तुम्हारे कपड़े लाई हूँ सारू मिठू, अपने कपड़े चेंज कर लेना बेटा। कब? अभी जब चलेंगे तो चेंज करके चलेंगे। ये हाँ तेरे को ये पहनना है तो पहन ले। मैं नहीं करूँगी। ठीक है मिठा, तेरे को करना है? ठीक है कर लेना। सीडी रिलैक्स से मोटरसाइकिल की खराबी ज्यादा हो रही है। कहाँ बकवास करना है सच में। तू रुक जा पहले रागी मान ले तू मांगी नहीं है। अरे फोटो ना खींच रही, कहाँ लो व्लॉग बना रही हूँ। मेरे मिट्टू मम्मी आगे कपड़ा चेंज करे जाएंगे बुनू के। पापा यहाँ के पिंक वाले बैग लगी लगी हूँ मम्मी चेंज ला। देखो मेरी मेहंदी, कपड़ा पहनो। देखो मेरी मेहंदी। और नानी ये देखो मेरी मेहंदी। वाह कितनी सुंदर। हमारी तो ये भी नहीं। मैंने तो तीज बना लगवाई है, हमारे लगवाई है। सही है ना, बढ़िया है। नानी मेरा हाथ चल रहा है। कहाँ से? मम्मी हमें अगर ना वो जंप सूट सो पड़े हुए वो कॉटन का। घर पे और गर्मी बहुत है, और ये गर्मी हो रही है पापा जी की वजह से। बताओ क्यों हो रही है गर्मी? अरे बेटा लाइट चली गई, मैं उसको क्या देखो करूं? उसकी हालत देखो क्या कर रखी है। बोलो आपकी टी शर्ट कहाँ है? नानू से पूछ रही है। तो अभी हम आए हैं तो जनरेटर ऑन है लेकिन एसी नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी मैं करूँगी कपड़े चेंज, सूट पहनूंगी क्योंकि साथ में भैया रहते हैं मेरे, ताऊ जी के बेटे और बहू और उनके बच्चे, उन्हें राखी बांधूंगी फिर मैं जाऊँगी घर पे, और फिर उसी के साथ मेरा ये राखी वाला ब्लॉग हो जाएगा ख़त्म। तो अभी मैं फटाफट पहले कर लूँ कपड़े चेंज और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको दोबारा से। निकाल के ला बेटा ओवर हीट हो जाती है गाड़ी, गर्मी की वजह से ख़राब हो जाएंगी। और साथ में ही जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं वहीं मेरे ताऊ जी के बच्चे रहते हैं, भैया भाभी और उनके दो बच्चे यानी मेरे भतीजे और भतीजी, जिन्हें सारू मिठू ने राखी बांधी थी और भैया भाभी को मैंने राखी बांधी थी। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। एडिटिंग में अगर आपको थोड़ी सी कमी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये वाला व्लॉग एडिट किया है। आई होप आप सब लोग समझेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।